आज हम सबको फ्लाइंग ट्रेन में बैठ के इस शहर को छोड़ के जाना पड़ रहा है। हाँ राजू भाई, अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, अब कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हमारे शहर में आ चुका है फ्री फायर का जायंट प्लेयर। हाँ, जिसने अपने साथ क्रिमिनल की पूरी फौज लेके आया ताकि इस शहर पे बोया कर सके, लेकिन ये राजू का इलाका है। हाँ राजू भाई, हम इन्हें बता देंगे कि हम कौन है। हाँ तो हो जाए मुकाबला। तुम लोग तो बहुत कमजोर हो, बंदूक के सिवा तुम लोगों को लड़ना ही नहीं आता। अबे हम क्रिमिनल्स हैं, हल्के में ले रहा है क्या? अरे राजू भाई, ये लोग क्या मार रहे हैं? हम जीतने वाले हैं। अरे डांसिंग गर्ल, तुम लोग यहाँ पर क्यों डांस कर रहे हो? अरे राजू, हमारे शहर में सिंचन का हाउस आ गया, देखो हमारे पीछे। अरे हाँ, ये तो CIM लिस्ट का सिंचन का हाउस है, लेकिन इसके ऊपर बफेलो और स्नेक मोस्टर क्या कर रहे हैं? मालिक, इस हाउस को इन लोगों ने कब्जा करके रखा है। अच्छा, लेकिन ये लोग ऊपर कैसे चढ़े? इनकी मदद जायंट ज़ॉम्बी ने किया है। ये जायंट ज़ॉम्बी कभी भी नहीं सुधरेगा, उनने लग गया है तो कुछ भी करेगा। पहले इनका इलाज करता हूँ, फिर उस फ्लाइंग जायंट ज़ॉम्बी का करूंगा। अरे अरे, ये राजू कहाँ चला गया? फिकर मत करो डांसिंग गर्ल्स, मैं हूँ ना। तू क्या कर लेगा? अरे अरे मालिक, अब आ गए। मैं ड्रोन की मदद से एनिमल के पास जा रहा हूँ, देखूँ तो सही वो लोग कितने हैं। हाँ मालिक, उनके पास जाओ और सबको धक्का दे के नीचे गिरा दो। हाँ राजू, फिर हम उस घर के अंदर जाके ठुमका लगाएंगे। ए ठुमका गिरा रे, नाचो डांसिंग गर्ल्स। तुम लोग इधर ही रहना, मैं अब भी जाऊँगा, अब भी आऊँगा। ठीक है मालिक, जल्दी आना। ये तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हो, जल्दी नीचे उतरो। अबे लगता है भूत आ गया। जल्दी भागो, नहीं तो ये भूत तुम लोगों को नीचे गिरा देगा। हम भूत भूत से डरते नहीं है, एक सींग मारेंगे ना नानी याद आ जाएगी बे। ये लोग तो मुझे हल्के में ले रहे हैं। वो तेरे की, ये स्नेक मोस्टर के पास मेरी ट्रोन बाइक क्या कर रही है? ये ट्रोन बाइक राजू का है, वो इसको लेने जरूर इधर आएगा। हम इधर सब छुप के रहेंगे, फिर वो आते ही उस पे हमला कर देंगे। अच्छा बेटे, मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है। तुम लोगों के ऊपर से स्नेक मॉन्स्टर्स। क्या राजू ऊपर चला गया? अब हमें उसे मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा रुको, अभी कैसे तुम लोगों को नीचे गिराता हूँ। मैं हमसे जो टकराएगा वो भय करके रोएगा। ये लोग तो बहुत हैं, इनके सामने ऐसे नहीं जा सकता, दूर से ही इनको तोप चला के उड़ा दूंगा। वैसे ये हाउस बहुत कमाल का है। अरे ये राजू कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। अरे फिकर मत करो मालिक, अभी हाउस को खाली करके आ रहे हैं। ये हाउस बहुत बढ़िया है, इसको खरीद लूँ क्या? इतना पैसा है क्या तुम्हारे पास, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो? अरे पैसे की क्या जरूरत, इस घर में तो कोई नहीं रहता, देख नहीं रही उधर जानवरों ने अपना घर बना लिया। तो क्या हम उनके साथ रहेंगे? अरे मेरी उल्लू बीबी, इनको भगा देंगे ना। क्या बोला? अरे मैंने बोला शायद उल्लू भी है इस घर में। मैं पागल हूँ क्या, मैं तुम्हें उल्लू बोलूंगा पगली। क्या मैं पगली? नहीं रहना है तुम्हारे साथ, जाओ। अरे नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं इससे भी बढ़िया घर खरीद दूंगा। इससे भी बढ़िया घर कहाँ पर है? अरे कार शोरूम के पास, न्यू क्लॉक टावर है, उसमें हम रहेंगे। क्या क्लॉक टावर, अब ये कहाँ से आ गया? अरे नहीं, लेट हो गया मैं, जल्दी क्रिमिनल्स को लेने जाना पड़ेगा। क्या क्रिमिनल्स फिर से इधर आ गए? फिर तो वो लोग भी इस हाउस को कब्जा करना चाहेंगे। अरे वाह, ये किसका घर है? ये तो बिल्कुल सिंचन का घर लग रहा है। इस घर के बारे में जल्दी जायंट प्लेयर को बताना पड़ेगा। क्या जायंट प्लेयर, अब ये कौन है? ही हा, जायंट प्लेयर इस बार अपनी फौज लेके आया है, इस बार तो राजू रन पक्का हारेगा। अच्छा, ये जायंट क्रिमिनल्स अपनी फौज लेके आए हैं ताकि मुझे हरा के बोये कर सके। जायंट प्लेयर, मैं आ रहा हूँ। अरे कौन चिल्ला रहा है? अरे राजू क्या हुआ, हम लोग उस घर में जा पाएंगे कि नहीं? अभी नहीं, पहले मुझे फ्लाइंग ट्रेन में बैठ के जायंट को बुलाना पड़ेगा। क्यों मालिक, कोई मुसीबत आ गई क्या? हाँ, कोई जायंट प्लेयर्स क्रिमिनल की पूरी फौज लेके इधर आया है। फिर मालिक जल्दी चलो फ्लाइंग ट्रेन के पास। अरे राजू भाई, ये क्रिमिनल्स कहाँ चला गया? पता नहीं, हो सकता है जुरासिक पार्क में हो। फ्लाइंग ट्रेन को भी जुरासिक पार्क के एकदम अंदर ले चलो। नहीं नहीं, इधर भी नहीं है। तो वो लोग जा कहाँ सकते हैं? उनका क्लॉक टावर तो हमारे कार शोरूम के पास है। लगता है वो लोग हमसे लड़ने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ हो सकता है, क्योंकि उनका मुकाबला राजू डॉन से है। राजू भाई, हमने भी बहुत आर्मी ट्रेनिंग किया है। ये लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाँ, उन क्रिमिनल्स को मार मार के उनका भर्ता बना देंगे। ठीक है, तुम लोग थोड़ी देर ट्रेनिंग कर लो, मैं तब तक सिंचन हाउस के पास जाता हूँ, वो लोग उधर भी जा सकते हैं। ठीक है राजू भाई, अब जाओ, अगर वो लोग उधर दिखे तो मुझे कॉल करना, मैं फ्लाइंग ट्रेन लेके आ जाऊंगा। ठीक है जैन। चलो मालिक, एनिमल्स को उड़ा दो। ईगल मॉन्स्टर्स, ये लो। अरे नहीं, सभी नाचो, एनिमल का खात्मा हो रहा है। बफेलो, तुम लोग भी नीचे उतर जाओ, नहीं तो ईगल मॉन्स्टर की तरह तुम्हें भी नीचे उतार दूंगा। नहीं बे, चल निकल,
अच्छा बेटे, ये लो तुम लोगों के पास भी बड़ी गोली जा रही है। अरे नहीं, ये क्या कर रहा है? उड़ जाओ भै। वाह, ये तो सिक्सर है। अरे मैं तो चला ही हम लोग। अरे तुम लोग धरती लोग उतरोगे या तुम्हें भी भेज दूं? चलो बहुत हुआ डॉगी डॉन। अरे अरे मालिक संभल के। धत तेरे की, सारा बिमल पान मसाला गिर गया। ये पान का थूक नहीं, ये तो खून है। क्या, किसका खून हुआ? अरे किसी का नहीं, हम लोग अभी उस हाउस के अंदर जा रहे हैं, तुम लोग यहीं रुकना। हाँ, हम लोग इधर ही है, तुम लोग जल्दी आना। मालिक, उन क्रिमिनल का क्या हुआ? उनका तो कुछ आता पता ही नहीं है। मतलब वो लोग क्या चले गए? नहीं, वो लोग इतनी आसानी से जाने नहीं वाले। चलो मालिक, हम गेट के अंदर आ गए, अब हाउस के अंदर चलो। हाउस के अंदर मत जाना। अब ये कौन बोल रहा है? वो दो ईगल मॉन्स्टर जिनको आपने छोड़ दिया था। ये लोग नहीं सुधरेंगे, इनको भी टुआ देना पड़ेगा। हे राजू, चला जाओ यहाँ से, नहीं तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। ये लो आ जाओ। अरे हम तो आए थे। तू भी आ जा। नहीं। वफेलो, तुम लोग क्यों खड़े हो? तुम लोग भी आ जाओ। ए, चुक गया। ये लग गया। बा मालिक क्या मारा, अब मैं भी मारूंगा। कहाँ गए, क्यों रे, कैसा लग रहा है? हो वो चुप। हाँ वो तरीकी, ये तो गायब हो गए। कोई बात नहीं, ये भैंसा तो है ना। संभल के, अगर जिंदा हुआ तो एक लात मार के तुझे उड़ा देगा। मुझे मारेगा लात? डॉगी डॉन को हलवा है क्या? मैं तेरी लुल्ली पे मारूंगा। हो वो चुप, नहीं तो तेरा दांत तोड़ दूंगा। डॉगी डॉन, मैं चलता हूँ, उन क्रिमिनल्स को भी सबक सिखाना है। ठीक है मालिक, आप जाओ, मैं ही हूँ। अब राजू हमसे डरेगा? ये राजू कोई भी हो, असम ही रहेंगे, आज वो हमसे जीत नहीं सकता। क्योंकि हम हैं सबसे बड़े क्रिमिनल्स, हमारे जैसा कोई नहीं। अरे लगता है राजू भी अपनी फौज लेके आ रहा है, उसे लगता है वो फ्री फायर के प्लेयर को हरा देगा। आ जाओ साथियों, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, राजू टपक जाएगा लेकिन ये शहर को इनके हवाले नहीं करेगा। हाँ राजू भाई, हम भी आपको कुछ नहीं होने देंगे और ना ही शहर को। देखते हैं कौन जीतता है। अगर हम हार गए तो क्या ये शहर उनका हो जाएगा? अरे नहीं, हम हैं हार के भी जीतने वाले बाजीगर, इनकी चटनी बना देंगे। तो ठीक है, हो जाए मुकाबला। अरे कौन है रे तू? अज्जू भाई। डॉगी डॉन मुझे बचा ले। अरे ये तो बल्लू की आवाज है, लगता है वो कोई मुसीबत में। हे चिन टपक डम डम, आगे तो शेर है। चलो वो झाड़िया के अंदर चला गया, मैं भी चिन टपक डम डम हो जाता हूँ। अरे मेरा दोस्त, तू आ गया, देख इन्होंने मेरा क्या हालत कर दिया। क्या, कौन किया तेरी ऐसी हालत? एक बार उसका नाम बोल। चिन टपक डम डम। अबे ये चिन टपक डम डम कौन है और किधर गया? इधर तो कोई भी नहीं है। वो शेर है, तू भी अंदर आ जा, नहीं तो तुझे भी बोलोग मार देंगे। बोलोग इसके अंदर नहीं आ सकते। फिकर मत कर बल्लू, मैं तेरा बदला लेके ही रहूंगा। हे कौन है चिन टपक डम डम, जल्दी बाहर निकल, नहीं तो राजू डॉन आ जाएगा। ऐसा नहीं मानोगे तुम लोग। मालिक। अरे अरे क्या हुआ डॉगी डॉन, क्यों बुलाया मुझे? हमारी फाइट शुरू होने ही वाली थी। चिन टपक डम डम को मारना है मालिक। अब ये कौन है? पता नहीं मालिक। अरे तू मारना उसे, मैं फाइट को खत्म करके आता हूँ। नहीं, पहले उधर चलो मालिक। उधर क्या है? हमारे बल्लू का क्या हालत कर दिया देखो। अरे तू जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जा, मैं जा रहा हूँ। ओबे तू जानता है किसको मार रहा है? हाँ पता है, नकली अज्जू भाई। ओबे ये असली है। तो मैं भी हीरोइन हूँ। और मैं हूँ सुपरमैन, सलमान का फैन। ओबे रेड क्रिमिनल से पंगा, ये लोग क्रिमिनल को मार दूंगा। अबे ये लड़की फाइट कर रही है या खाना बना रही है? तेरा पराठा बना दूंगी, चुप कर। अरे मार, नहीं तो हम हार जाएंगे। तुम दोनों को अकेला मारूंगा। अबे हमें मारेगा, तुझे फाड़ डालूंगा। मुझे तो कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा दोस्त बल्लू को तूने मार दिया, लेकिन मैं बल्लू नहीं हूँ, मैं हूँ डॉगी डॉन। चुप कर, एक डॉग मरा अब दूसरा मरेगा। पहले पकड़ के दिखा फिर मरेगा, मुझे पकड़ना मुश्किल है। लेकिन तुझे खाना आसान है। अबे डॉग को खाएगा, जंगल में हिरन नहीं है क्या? अबे चुप, नहीं तो घसीट घसीट के मारूंगा। तुझे मैं भागा भागा के मारूंगा। आजा आजा। तो मारना, भाग क्यों रहा है? मैं एक साथ 10 को मारता हूँ, आजा अपनी टीम लेकर। बल्लू उठ जा। तू सो जा। अबे चल ना, कहाँ से आ जाता है, ठीक से मुझे पकड़ भी नहीं पा रहा है। चल भाग, तुझसे नहीं लड़ूंगा।